हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उठ चुकी हूँ और जिया सो रही है। आज महाशिवरात्रि है तो मैंने फास्ट किया है। जिया कह रही थी मैं भी करूँगी, अभी उसको उठाने जा रही हूँ। उठेगी, नहा के चलेगी मेरे साथ तो ठीक है, अदरवाइज मैं मंदिर जा के आती हूँ। जी मंदिर नहीं चलना, खड़ा हो, चल खड़ा हो, मंदिर चलेंगे, खड़ा हो, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जिया, उधर मंदिर चलेंगे, चल वर्त नहीं करना, करना है ना तो कुछ, चल खड़े हो जाओ, उठो जल्दी, उठो बेटा मैं तो नहा ली, अब जाओ। तो भाई मैंने जिया को तो उठा दिया था और जिया उठ चुकी है, नहा के आ गई है। हेलो बोलो जिया, नहा के आ गई है और बस अब हम दोनों जाते हैं मंदिर। तो अभी चलते हैं हम मंदिर। जो फोन तू रखियो, ठीक है, फोन तू पकड़ के रखियो, मंदिर चलते हैं। भाई हमारे ना बनाना नहीं आए हैं क्योंकि मोनू तो उठ नहीं रहे हैं और बनाना मैं आगे से ही लूंगी। चल जी मुझे फ्रूट। इधर मम्मा और आंटी आ रहे हैं। मंदिर मंदिर चल पड़े सारे। तो एक बार ना अपने खेत देखने आए थे कि भाई खेतों में कितना पानी है, उतर गया कि नहीं उतर गया, बट मुझे नहीं लगता खेतों में से पानी उतरा होगा। ये बड़े गांव की हालत है भाई, इतना पानी भरा खड़ा अभी तक तो रोड पे भी और खेतों में भी, देखो कितना पानी भरा खड़ा है। बहुत ज्यादा पानी भरा भाई, बाढ़ का जो है बहुत ज्यादा पानी, सबके खेत डूबे पड़े हैं। अपना जाके देखते हैं हमारे की क्या हालत हो गई। पक जाएगी भाई, पानी कम नहीं हुआ, पानी तो उतना तो उतना ही है, इतना था वाइट वाइट हो रही, इतना पानी था इधर, पानी इतना का उतना ही भाई हमारी खेत इधर ही है। और ये देखो रोड पे पानी, पानी कम नहीं हो रहा भाई, हमारे खेत डूबे पड़े हैं बिल्कुल ही। पर यार इसकी निकासी किसी तरफ तो होगी, उसी तरफ है जिधर का पानी जाने लग रहा है। निकासी का तो गेरे होने पर लेवल पर ही मिलता है, उसी तरफ जाने लग रहा है सारा पानी। माय गॉड, ये है भाई वो आम का पेड़, ये भी वो आम का पेड़ जहाँ से हम अपना वो कच्चे आम लेके जाते थे। और ये वाला जो खेत है जिसमें आम का पेड़ लग रहा है वो भी हमारा, उससे अगला भी हमारा, यानी कि ये बिल्कुल डूबे पड़े हैं। देखो इसमें दिख भी नहीं रही है जीरी कहाँ सी है, इट मीन्स फसल खराब हमारी तो। इधर है नहीं, इधर तो रोड पे है नहीं पानी, है रोड ऊंचा हुआ है, ये परिंदे देख रहे हैं,
पानी बहुत ज्यादा हो गया भाई। आगे थे पीछे पे और मोनू ने बाल कटवा लिए, गंजे हो गए, इस वजह से अब ये कैप खरीदते फिर रहे हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं कैप पहनूंगा, तो कैप ले रहे हैं ये अपने। हाँ जी क्या रो क्यों रही, देखते कैप कैसी लगती है, अच्छी लगेगी वैसे, मुंह भी अच्छा लग रहा है, बड़ी है थोड़ी, बड़ी है ये, मतलब पीछे दिखाइयो, फुल खोल रखी है इसका क्या करेगा तू, भी टाइम हो गया था 12:30 और मेरा तो है फर्स्ट, और मोनू की अभी तबीयत ठीक सी नहीं है, उनको बीपी लो है, ठीक ही नहीं हो रहा, वो अभी भी जो है डॉक्टर को दिखा के ही आए हैं, तो पहले तो ये बोल रहे थे मैं कुछ नहीं खाता, सिर्फ सैलड खाऊंगा, तो बीपी लो है, और बीपी लो में अगर बंदा कुछ ना खाए और भी ज़्यादा लो होता चला जाता है, नमक मिर्च तो उसमें कंपल्सरी है खाना, ज़्यादा नमक, गरम गरम दूध कॉफ़ी वगैरह पीना, तो मैंने बना दिया खाना, मैंने बनाई है भिंडी और रोटी बन चुकी है, रोटी भी बना दी है मैंने, बस अभी खाना दूंगी मोनू को। ये भी आज जिया कान्हा जी को नहला रही है, हमारे छोटू से कान्हा जी को नहला रही है कि जिया अरे फ्लावर्स जल्दी से जल्दी जल्दी नहाओ भाई जल्दी जल्दी, अरे फ्लावर्स अच्छे से, वो वाली ड्रेस पहनाएंगे आज इसको, इनको जन्माष्टमी कलर से जन्माष्टमी में पहनवाई, सुंदर लगेगी हमारे कान्हा जी को, दिखाओ दिखाओ छोटी सी कान्हा जी को दिखाओ लड्डू। भाई जिया ने आज मेरे बेड पे चाय गिरा दी और इतना गुस्सा आ रहा है, फास्ट है मेरा कुछ कह सुन नहीं सकती, उसने मेरे पूरे बेड पे एक मग्गा चाय गिरा दी, और भाई टाइम हो गया था 6 बज गए थे, और इधर के लोग तो कह रहे भाई शाम के टाइम अपना खाना खा लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं भाई, मीठा बना के कुछ भी, बट हमने शुरू से ही यानी कि ये लगा लो ज़्यादा नहीं, जहाँ तक मेरे को याद है ना 20 साल तो हो ही गए मेरे को उपवास करते, तो हमारे में तो भाई हम नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, अब शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख लगी है तो आलू बना लेंगे हम, नमकीन से आलू तो वो बना लेंगे, उसको दही के साथ खा सकते हैं, अदरवाइज अन्न कुछ भी नहीं खाना, कोई खीर नहीं, कोई हलवा नहीं, कोई रोटी नहीं, कुछ भी नहीं खाएंगे हम, सिर्फ आलू बना के खाएंगे। भी मार्केट से मैं आ चुकी हूँ और मैं मार्केट गई थी तो मैं मुझे ना ये वाले स्लीपर्स बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छे, तो मैं एक जोड़ी ये वाले स्लीपर लेके आई, अलग से दिखाती हूँ, बहुत अच्छे लगे मुझे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा इसका, एक जोड़ी ये वाले स्लीपर लेके आई हूँ मैं, और जिया के रबड़ बैंड लेके आई हूँ, ये देखो एक येलो शेड और एक रेड, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे ये, और क्या लेके आई थी मैं, और एक मेरा फेस वॉश का तो हो रखा था भाई, फेस वॉश लेके आई हूँ मैं अपना, टी ट्री ऑयल का यूज़ करती हूँ तो, क्योंकि मेरी एक्ने स्किन है तो टी ट्री ऑयल का ही यूज़ करती हूँ मैं, और एक अपनी टी शर्ट लेके आई थी भाई, ये वाली टी शर्ट लेके आई थी, बस और कुछ नहीं लेके आई। 9:30 बज गए हैं अभी और हम अभी मार्केट से आके बैठे भी क्या थे, रास्ते में ही फ़ोन आ गया था मोनू का कि उनकी एक पंचायत है खिराजपुर, तो वहाँ पे ना उनकी जो पुलिया होती है ना, छोटा सा ब्रिज होगा कोई, उसमें दरार आ गई है, तो उसमें दरार आने की वजह से पानी अब उधर से मतलब इकट्ठा होने लगा है गांव वाली साइड, तो अभी वो गए हैं वहाँ पे, क्या करवाएंगे कुछ तो, या तो मिट्टी डलवाएंगे या फिर कोई पेड़ वेड़ काट के वहाँ रास्ते में लगाएंगे ताकि पानी आगे ना चले, मतलब गांव वाली साइड फ्लो ना हो उसका, तो वो गए हुए हैं अभी मोनू अपना पंचायत में, खिराजपुर पंचायत में, और जिया ने खा लिया खाना, आलू का पराठा खाया था, ब्रेड तो ऐसे ही तोड़ के फेंक दिया इसने, बटर ब्रेड था ये,
और वो भी जीव पापा वाली उस पे ना गिरा दे, वो चीटियां आ जाएंगी। देख लेके गई है वो ब्रेड, तेरे को खाना नहीं, क्यों लेके गई है फिर? पापा जी बोल रहे हैं ब्रेड इधर लेके दे। वो लेट गई। लेटने के लिए किसने बोला तुझे? तो भी मैं हम करते हैं वेट, मेरे को खाना खाना है ही नहीं, मेरा फास्ट है आज। और बस मोनू आएंगे तब खाना बनाऊंगी, अभी खाना नहीं बनाती, मोनू का ठंडा हो जाएगा। टाइम हो गया था अभी 10:30 और मोनू का वेट कर रहे हैं। मोनू का वेट करते करते हम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं मतलब। तो चलो ये देखो लेके आओ, बोल लेके आओ, लेके आओ बोल। इसको भी दे दो मम्मा को, दो मेरे को, दो मम्मा को, यही से दो। अरे निकाल के लाओ भैया, उधर कौन बैठा है गंजे? ओ गंजे उधर दे रही हो, बैठ के नीचे चल जाएगी। आ जा। मोनू से बात हुई भी थोड़ी देर में, आने वाले वो रस्ते में है, तब तक हम खेल लेते हैं। वो हमारा गेम बिगाड़ने में लगी है, वो हमारी बॉल उठा के ले जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था 11, पापा जी आ गए थे इधर, शक्ल दिखा। इधर मम्मा और डियो बैठी है, पैर दबा दिए पॉइंट, और इधर हम टीवी देख रहे। पापा क्या बन रहे, थोड़ी तेज बोल ना, पापा क्या बन रहे? बीप राग, बीप अरे यहाँ तो बात करे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:01, पापा जी आ गए थे, इसकी मस्ती चालू हो रही है ड्यू की, मम्मा पॉइंट दबा रही है पापा जी के, मम्मा पॉइंट दबा रही है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है। इधर फोल्डिंग कर लेते हैं पापा जी, हम यहाँ पे व्लॉग देख रहे थे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, माय यूट्यूब चैनल, बाय।